गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं गोविंदा है, आपका मेरे यूट्यूब चैनल या टेक्निकल ब्रो पर दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं दोस्तों धनी एप्लीकेशन के बारे में। अगर धनी एप्लीकेशन में आपने दोस्तों अगर कार्ड मंगाया है, उस कार्ड की आप लिमिट सेट करना चाहते हैं दोस्तों, कि उसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट है उसको कैसे सेट करते हैं, सारी कुछ जानकारी बताएंगे दोस्तों। कौन कौन से लिमिट उसमें होती है, तो सभी कुछ जानकारी आपके लिए अगली वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी बहुत ही काम की और इंटरेस्टेड दोस्तों होने वाली है। दोस्तों बिना कुछ देर के दोस्तों आपसे करते हैं रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी कर लें प्रेस, क्योंकि हम लाते रहे सभी काम की और इंटरेस्टेड वीडियो, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत मिल सके, दोस्तों आप सक्सेसफुल जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देर की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। धनी एप्लीकेशन के फिजिकल कार्ड की लिमिट को सेट करने के लिए धनी एप्लीकेशन को ओपन करना। जैसे हम धनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इस प्रकार का आपके सामने कुछ इंटरफेस धनी एप्लीकेशन का होम पेज का आएगा। कार्ड की लिमिट सेट करने के लिए नीचे की साइड में आपके लिए माई कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। माई कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। कार्ड की लिमिट सेट करने के लिए नीचे की साइड में आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेट अ ट्रांजैक्शन लिमिट, इस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ की जो आपकी ट्रांजैक्शन की लिमिट है यहाँ पर दोस्तों शो हो रही है। यहाँ पर चेंज करने के लिए अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन अभी नहीं कर सकते, ऑफलाइन लिमिट है जो आपकी कार्ड की वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो भी सेट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैं अपने कार्ड की लिमिट इस प्रकार से सेट करके आपके लिए दिखा रहा हूँ। आल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मेरी आल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो कि ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो चेक करके आपके लिए यहाँ पर सिंपली से लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करते जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी सभी कुछ जानकारी भर जाएगी। भरने के बाद यहाँ पर कन्फर्म चेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, और ओटीपी है वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर लिख के आ गया था ट्रांजेक्शन लिमिट सक्सेसफुल। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट है उसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप मेरे द्वारा आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।